अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल अभी तो खैर अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया के हैं वहाँ पे टी ट्वेंटी आई मैच इसकी सीरीज होने वाली है इसके बाद आ, इंडिया आ, की टीम खेलेगी इंग्लैंड से अपने होम ग्राउंड पे एंड उसके लिए खैर जॉनी बेस्टो के पहले भी बयान सामने आए थे अभी भी उनके सामने आए हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि भाई टीम इंडिया से वो किस तरह से उनके होम ग्राउंड पर जीतेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टफ है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी इंडिया के होम ग्राउंड पर नहीं जीत सकी है और पिचेस बहुत ज़्यादा है कि टर्निंग होती हैं स्पिन फ्रेंडली होती हैं दैट्स वाई है कि जो इस तरह की सीनियर नेशन है वो बहुत ही ज्यादा है कि ट्रैप हो जाती हैं एंड uh, uh, मैच भी आ जाती है सीरीज भी आ जाती हैं सो so, है, खैर जॉनी बेस्टो भी इस हवाले से बहुत ही ज्यादा उन्हें कंसर्न है बट अभी भी उनको लगता है कि इंडिया का अब पेस अटैक भी बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है सो यू नेवर नो कि वो पेसी विकेट्स बनाएंगे बट आई डोंट थिंक कि टीम इंडिया पेसी विकेट बनाएगी क्योंकि अगर पेसी विकेट बनाएंगे तो ऑब्वियसली इंग्लैंड को भी फायदा होगा इंग्लैंड के भी पेसर्स बहुत अच्छे हैं बट अगर वो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाते हैं तो फिर है कि इंग्लैंड को इतना ज़्यादा एज नहीं मिलेगा इंडिया को ही एज मिलेगा क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं स्पिनर्स हैं जबकि इंग्लैंड के पास आई थिंक जैसे आदिल रशीन है अली पार्ट टाइमर है इसके अलावा एक और भी कुछ लीच जैक लीच है उनके या तो इतना ज़्यादा खैर इफ़ेक्टिव वो इंडिया के बैट्समैनों के ख़िलाफ़ नहीं होंगे दैट्स ऑल आई थिंक और जो जितना ज़्यादा इफेक्ट इंडिया के स्पिनर होंगे जो जडेजा अक्षय पटेल सो आई थिंक इंडिया स्पेन फ्रेंडली ट्रैक ही बनाएगा जॉनी पेरेस्टो का ये जो सोचना है जो उनकी सोच है कि भाई शायद पेसी ट्रैक्स बनाए जाए तो आई डोंट थिंक क्योंकि अगर पेसी सी ट्रैक बनाएंगे तो ऑब्वियसली इंग्लैंड को भी फायदा होगा बट होम एंड एडवांटेज यही होता है कि जस्ट होम टीम को उसका एडवांटेज हो सो आई थिंक देर शुड बी देर वुड बी टर्निंग ट्रैक्स अगेंस्ट इंग्लैंड आपके इस हिसाब से क्या आया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाद uh, में इसके अलावा खबर खबरें ये भी हैं कि मोहम्मद शामी अभी फुली तौर पर रिकवर नहीं हुए हैं एंड बी नहीं चाहता है कि किसी तरह के कि अभी कोई वो रिस्क लें शामी को लेके क्योंकि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है दैट्स स्टार के जो दो टेस्ट मैचेस हैं अगेंस्ट इंडियन उसमें मोहम्मद शामी नहीं होंगे यानी प्लेइंग का नहीं होंगे इसके अलावा जो हैज क्लासिन हैं है, जो कि साउथ अफ्रीका के बैटर हैं दो तीन टेस्ट मैचेस ही उन्होंने खेले हैं उन्होंने अपने टेस्ट मैच से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है ना वो जस्ट ऑडिया मैचेस खेलेंगे एंड टी ट्वेंटी फॉर्मेट खेलेंगे जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खैर कंसर्न की बात है साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने भी यही हरकत की है वो नहीं चाहते कि खैर मतलब टेस्ट को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं वो नहीं करें मे बी दिस इज़ द रीज़न इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है टेस्ट क्रिकेट से दैट्स स्वाक है हर्षा बोगले की भी इस हवाले से आ, मैं बयान देख रही थी Uh, के उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो फिर आप ऐसी चीज करते हो जिससे आपको ज्यादा फायदा हो या जिससे आप ज्यादा मनी जनरेट कर सकते हो तो टी ट्वेंटी फॉर्मेट से आप ज्यादा मनी जनरेट कर सकते हो दैर्स साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया है एंड बट स्टिल भाई कुछ तो करना पड़ेगा आईसीसी को कुछ करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट वन इस तरह से तो खत्म हो जाएगी कि जब प्लेयर्स भी नहीं खेलना चाह रहे जब बोर्ड भी उसको ज्यादा इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे सो आई थिंक फिर टेस्ट क्रिकेट का क्या फ्यूचर होगा सो so, मुझे तो खाली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगी कि एनिज क्लासन जैसे प्लेयर जिन्होंने जस्ट तीन टेस्ट मैचेस ही खेले अपने और या करियर में एंड क्वाइट यंग इतने ज्यादा कोई वो बूढ़े भी नहीं हो गए सो so, उनका इस तरह से डिसीज़न लेना आई थिंक के टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा खतराते हैं क्योंकि इस तरह की अगर सिचुएशन चलती रही पर उन् थिंक इंटरस्टल क्रिकेट ज़्यादा जा, देर तक है कि अपना वजूद कायम रख सकेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में और खैर इसके अलावा जो ईशान किशन साहब है साहब हैं इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन उनके हवाले से खैर खबरें थी पहले भी कि उन्होंने खुद है कि जेस्ट मांगा है उन्हें मेंटल फटीक हो गई मतलब वो इतने ज़्यादा मैचेस तो नहीं खेले बट स्टिल मैंटल फटी गए एंड ऑल तो खैर बहुत से लोग कह रहे थे कि उन्हें ऑन एंड ऑफ चांसेस मिलते हैं उन्हें कंटिन्यूस चांस नहीं मिलता बहुत ज़्यादा वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं बट स्टिल उनको है कि कंटिन्यूस चांस नहीं मिलता दैट्स तो वाई वो, वो कोई एक ब्लॉक का शिकार है या वो मेंटल ब्लॉक का शिकार हैं दैट्स वाई उन्होंने रेस्ट लिया एंड ऑल सो मुझे भी खैर इस तरह की बात लगती है अभी खैर कंफर्म भी हो गया कि ईशान किशन ने खुद से रिक्वेस्ट की है रेस्ट की क्योंकि उनको मेंटल फटीक हो गई है खैर इसके अलावा इसके हवाले से बहुत से फैंस भी गुस्से में हैं कि भाई क्या मेंटल फटी है एंड ऑल बहुत से लोग यूँ भी खफा हो रहे हैं कि भाई नाइन टू फाइव आप जॉब करो तो फिर आपको पता चले कि क्या मेंटल फटीक होती है वहाँ पे आपको ऑफ भी नहीं मिलता है एंड ऑल और, और यहाँ पर आप क्रिकेट भी नहीं खेली है फिर भी आपको है कि मेंटल फटीक हो गई है तो आपको मेंटली फ़िट होना चाहिए मेंटली स्ट्रॉग होने चाहिए एंड ऑल इस तरह की है कि खैर मश्रे सब दे रहे हैं बट आई थिंक कुछ सीरियस uh, uh, मामला होगा uh, इस तरह से रेस्ट लेने का क्या क्योंकि आई थिंक संजू सैमसन को लिया गया है संजू सैमसन से पहले ईशान किशन उनकी चॉइस रहे हैं बीसीआई के और ऐसे मौके पे रेस्ट लेना आई थिंक मुझे तो खैर नहीं समझ आता वो भी एक यंगस्टर का सो सोरैर वॉट वट यू थिंक अबाउट इट कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज यूर लाइकिंग माई वीडियोज आप देख रहे हैं मेरा कॉन्टेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप किस तरह से उस पसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं ओबियसली मेरा चैनल मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सो so, अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि इसी तरह से आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं सो खै डेट वोज इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा शेयर एट फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मॉसर कॉन्टेंट अल्लाह